कोर्ट में पेशी के दौरान सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी ने पुलिस और सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा की जा रही अभद्रता के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की बात बोल दी है। आपको बता दें कि मीडिया से बात ना कराने पर पुलिस पर भड़के विधायक, वहीं उन्होंने खुद की तुलना जानवर और बंदर से की है। प्लॉट पर कब्जा और आगजनी मामले में थी सुनवाई। आतंकवादी है क्या? ये हमेशा देखो धक्का मारते थे, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो? ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है धक्का मारा करते हमें? चलिए चल रहे भाई, बात ना कर। यार तुम लोग क्यों आते जब बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोग को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है जानवर है? बंदर हो गए हम, गधे हो गए? भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे। क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले, बिल्कुल एक ही मकसद एक ही काम। वहीं पति से ना मिल पाने पर उनके जो बच्चे और उनकी पत्नी विधायक के फूट फूट कर रोई। पत्नी नसीम सोलंकी बोली कि आपने शौहर को मरा समझ ले, इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं। वहीं इरफान सोलंकी ने भी पुलिस और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। कल हमने वहाँ मुलाकात लगाई, जाली से मिलाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी जाली से। अब हम यहाँ, हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हम इनसे बात कैसे होगी? मेरे बच्चे, हम लोग महाराजगंज जा कर आए, पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत महीन सी जाली से हुई है। कैसे मुलाई होगी बताइए? कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, ACM ऊपर गए वहाँ पर भी मिला, वहाँ तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने। ACM 3 में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए, कहाँ जाएँ बताइए? हम क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ लें क्या? इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है, पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी है, मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाएँ बताइए? हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को? एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसके यकीन कर लिया, हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। हम लोग कहीं भी गुनहगार नहीं, हम लोग के ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे। छोड़ दीजिए इनको, इनको मत परेशान करिए, छोड़ दीजिए। सरकार पुलिस अब हम लोग के पीछे पड़ गई है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको प्लीज। हम लोग बहुत परेशान हैं, टूट गए, देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन लोग का पेपर था आज बोर्ड का, 12th का, बेटे का 10th का पेपर है, हम लोग पेपर दिलवाई या कोर्ट में आए, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों के लिए, प्लीज हमारी मदद करें, हम लोग को छोड़ दीजिए। हम परेशान हो रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, एक पैर महाराजगंज में होते हैं, एक यहाँ होता, हम लोग कहाँ जाए बताइए? हम किससे अपनी परेशानी कहें? हम लोग रोते नहीं, इसका मतलब हम परेशान नहीं, हम लोग बहुत परेशान हो चुके।